हेलो दोस्तों, आई एम राधिका जैन और मैं आपको बेल के कुछ औषधीय गुणों के बारे में बताना चाहती हूँ। गर्मी के मौसम में गर्मी से राहत देने वाले फलों में बेल प्रकृति द्वारा दी गई किसी सौगात से कम नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग जहाँ इस फल के शरबत का सेवन कर गर्मी से राहत पाते हैं, वहीं भक्तगण इस फल को भगवान शिव को अर्पण कर पुण्य प्राप्त करते हैं। कहा गया है, रोगान बिलत्ति भिनत्ति इति बिल्व, अर्थात रोगों को नष्ट करने की क्षमता के कारण बेल को बिल्व कहा गया है। बेल सुनहरे पीले रंग का कठोर छिलके वाला एक लाभदायक फल है। इसके गीले गुदे को बिल्व करकटी तथा सूखे गुदे को बेलगिरी कहते हैं। औषधीय प्रयोगों के लिए बेल का गुदा, बेलगिरी पत्ते, जड़ एवं छाल चूर्ण आदि का प्रयोग किया जाता है। चूर्ण बनाने के लिए कच्चे फल का प्रयोग किया जाता है। वहीं अधपके फल का प्रयोग मुरब्बा तो पके फल का प्रयोग शरबत बनाकर किया जाता है। चातुर्मास में उत्पन्न होने वाले रोगों का प्रतिकार करने की क्षमता बिल्व पत्र में होती है। आयुर्वेद में बेल को अत्यंत गुणकारी फल माना जाता है। यह एक ऐसा फल है जिसके पत्ते, जड़ और छाल भी उपयोगी हैं। बेल का वृक्ष 15 से 30 फुट ऊंचा और पत्तियां 3 और कभी कभी 5 पत्र युक्त होती है। जंगली बेल के वृक्ष में कांटे अधिक और फल छोटा होता है। बेल के फलों में बिल्विन या मार्मेसोलिन नामक तत्व एक प्रधान सक्रिय घटक होता है, जिसके अतिरिक्त गुदे में लवाव, पेक्टिन, शर्करा, कशायिन एवं उत्पत तेल पाए जाते हैं। ताजे पत्तों से प्राप्त पिताब हरे रंग का उत्पत तेल स्वाद में तीखा और सुगंधित होता है। इसका कच्चा फल मधुर और मृदु होता है और पत्तों का रस घाव ठीक करने, वेदना दूर करने, ज्वर नष्ट करने, जुकाम और श्वास रोग मिटाने तथा मूत्र में शर्करा कम करने वाला होता है। इसकी छाल और जड़ घाव, कफ, ज्वर, गर्भाशय का घाव, नाड़ी अनियमितता, हृदय रोग आदि दूर करने में सहायक होती है। अजीर्ण में बेल की पत्तियों के 10 ग्राम रस में 1-1 ग्राम काली मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर पिलाने से आराम मिल सकता है। अतिसार के पतले दस्त में ठंडे पानी से लिया 5-10 ग्राम बेल चूर्ण आराम पहुंचाता है। कच्चे बेल की कचरियों को धूप में अच्छी तरह सुखा लें या पंसारी से साफ छांट कर ले आएं। इन्हें बारीक पीसकर कपड़े से छानकर शीशी में भर लें। यह बेल चूर्ण है। छोटे बच्चों के दाँत निकलते समय दस्त लगने पर यह चुटकी भर चटा दें। आंखें दुखने पर इसके पत्तों का रस स्वस्थ पतले वस्त्रों से छानकर 1-2 बूंद आंखों में टपकाएं। दुखती आंखों की पीड़ा, चुभन, शूल ठीक होकर नेत्र ज्योति बढ़ेगी। जल जाने पर बिल्व चूर्ण गरम किए तेल को ठंडा करके पेस्ट बना लें। जले अंग पर लेप करने से फौरन आराम आएगा। चूर्ण ना होने पर बेल का पक्का गुदा साफ करके भी लगाया जा सकता है। पाचन तंत्र में खराबी के कारण आव आने लगती है, जो कुछ ही समय में रोगी को दुर्बल बना देती है। ऐसे में बेलगिरी और आम की गुठली की गिरी बराबर मात्रा में कूट छान लें। 1/2 ग्राम चूर्ण सुबह चावल की माड़ के साथ सेवन करें। 1/2 ग्राम यह चूर्ण पहले दिन 2-2 घंटे के बाद 4 बार, दूसरे दिन सुबह, दोपहर और तीसरे दिन सिर्फ सुबह लें। आव बंद हो जाने पर चूर्ण न लें। कब्ज से पेट और सीने में जलन रहने से 50 ग्राम गुदे में 25 ग्राम पिसी हुई मिश्री और 250 ग्राम जल मिलाकर शरबत बना लें। इसे रोज पीने से कब्ज नष्ट होकर चेहरे पर ओज आता है। छाती में जमे कफ से तेज खांसी उठती है। रोगी रात भर सो नहीं पाता, इसलिए 100 ग्राम बेल का गुदा 1/2 किलो पानी में हल्की आंच में पकाएं। 300 ग्राम रह जाने पर उतार कर छान लें। 1 किलो मिश्री की 1 तार चाशनी बनाकर इसमें मिलाएं। 1 रत्ती भर केसर और थोड़ी जावित्री डालकर इसे सुगंधित और पुष्टिकर बना लें और गुनगुना करके घूंट घूंट करके पिए। सर्दियों में इस्तेमाल करने से कफ इकट्ठा नहीं होता। दमा में कफ निकालने के लिए बेल के पत्तियों का काढ़ा 10-10 ग्राम सुबह शाम शहद मिलाकर पिए अथवा 5 ग्राम रस में 5 ग्राम सरसों का शुद्ध तेल मिलाकर पिलाएं। 50 ग्राम सूखे बेल के पत्तों का चूर्ण 3 ग्राम मात्रा में 1 चम्मच शहद के साथ सुबह शाम देने अथवा पक्के गुदे में थोड़ी मलाई मिलाकर खाने से मूत्र और वीर्य दोष नष्ट होते हैं। ल्यूकोरिया में बेलगिरी, रसौत
और नाक के सर समान मात्रा में कूट पीसकर कपड़े से छान लें। 5 ग्राम चूर्ण चावल के माड़ के साथ दिन में 2 या 3 बार दें। पीलिया में बेल के कोपलों का 50 ग्राम रस 1 ग्राम पिसी काली मिर्च मिलाकर सुबह शाम पिलाएं। शरीर में सूजन भी हो तो पत्र रस तेल की तरह मलिए। 100 ग्राम पानी में थोड़ा गूदा उबालें। ठंडा हो जाने पर कुल्ले करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। रक्त को शुद्ध करने के लिए बेल वृक्ष के 50 ग्राम जड़ 20 ग्राम गोखरू के साथ पीसकर छान लें। सुबह 1 छोटा चम्मच चूर्ण आधा कप खौलते पानी में घोलें। मिश्री या शहद मिलाकर गरम गरम घूंट लेकर पिए। कुछ ही दिनों में लाभ दिखाई देने लगेगा। सिर दर्द में बेल पत्र के रस से भीगी पट्टी माथे पर रखें। पुराना सर दर्द होने पर 11 पत्तों का रस निकालकर पी जाएं। गर्मियों में इसमें थोड़ा पानी मिला लें। कितना ही पुराना सर दर्द हो ठीक हो जाएगा। मोच अथवा अंदरूनी चोट में बेल पत्रों को पीसकर थोड़े गुड़ में पकाइए। इसे थोड़ा गर्म पुल्टिस बनाकर पीड़ित अंग पर बांध दें। दिन में 3 से 4 बार पुल्टिस बदलने पर आराम आ जाएगा। पके बेल में चिपचिपापन होता है, इसीलिए यह डायरिया रोग में काफी लाभप्रद है। यह फल पाचक होने के साथ साथ बलवर्धक भी है। गर्मियों में लू लगने पर इस फल का शरबत पीने से शीघ्र आराम मिलता है तथा तपते शरीर की गर्मी भी दूर होती है। पके बेल के गूदे में काली मिर्च सेंधा नमक मिलाकर खाने से आवाज भी सुरीली होती है। तो ये थे बेल के कुछ औषधीय गुण। मैं राधिका जैन आशा करती हूँ कि आप इसके गुणों को जरूर अपनाएंगे। धन्यवाद।